गोंडवाना के वीर वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस में पधारे। इस कार्यक्रम में सम्मिलित आप सभी लोगों को सादर सेवा जोहार। और मंच पर उपस्थित इस गोंडवाना धरती के महान मालिक और मालकिन गोंडवाना राज्य में रानी दुर्गावती जैसी महान हस्तियों ने जन्म लिया और इस देश गोंडवाना आंदोलन आदिवासी गोंडवाना समाज के द्वारा उन्हें नम आंखों से गोंडवाना राज का जो शौर्य गाथा आप लोगों ने सुना है, लोगों के द्वारा विद्वानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है, तो महान ऐसे गोंड राजा शासक थे जिनके द्वारा बहुत ही अच्छे इसमें कर दिया जाए कि शासन सत्ता चलाए, देश के जनताओं की सेवा किए। गोंडवाना के राजपाट में सोना का सिक्का भी चला, गोंडवाना के राजपाट में लोगों के घरों में ताला भी नहीं लगा करता था, जैसे आजकल ताला लग जाता है, नहीं इस वजह से ताला नहीं लगता था। 1750 साल गोंड शासकों ने राज किया है, भारत देश बनाने के लिए हमने विलय किया, तब जाकर आज ये भारत देश बना है। तो हमको उस वक्त मिल जाना चाहिए था, पर इन चोर बदमाशों और कर्तारों के हाथों में हमने जो इस देश का कमान दिया, 1770 सौंपा, जिसके वजह से आज हम इस स्थिति में है। हमने अपना राजपाट विलय कर दिया, लेकिन आज तक हमको सम्मान, हमारा हक, हमारा अधिकार नहीं मिल पाया है। तो ये हक अधिकार हमको पुनः वापस लेना है। आज जिस तरह से हम लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, कहीं पर टाइगर रिजर्व के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पर कोल ब्लॉक के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पर डैम बांध बनाने के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी जगह से खाली हम ही लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि गोंडवाना के गोंडों को समूल नष्ट कर दिया जाए, उनका लोग डर और भय में जी रहे हैं। जिस तरह से हम लोग, चाहे वो रानी दुर्गावती हो, वीर गुंडाधुर हो, शहीद वीर नारायण सिंह हो, सभी लोगों के जीवन काल की कहानी गाथाएं सुनते आ रहे हैं, तो हमारे मन में एक ललक होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पुरखों ने इस धरती पर राज किया, उसी तरह से फिर से हम लोगों को इस धरती पर राज करना है। और इस धरती पर राज करने के लिए हमको संगठन बनाकर काम करने की जरूरत है। दादा मरकाम जी ने आपके लिए संगठन बना दिया है, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, सभी स्तर पर समग्र विकास क्रांति आंदोलन चला दिया गया है। और उसके साथ साथ आप अगर धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, चाहे भाषा की बात करते हैं, ये तीनों चीज हमारे पास थी और आज भी है, भले हम नहीं जानते, लेकिन आज भी और ये तीनों चीजों को किन लोगों ने हमसे अलग बनाया, उन्हीं लोगों ने
आज हमको ये तीनों चीजों से दूर रखा। तो ये तीनों चीजों को फिर से पाने के लिए क्या करना होगा साथियों? हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति ही ये सारी चीजों को संरक्षित करेगी। तो यहाँ से संकल्प लेकर आप लोग जाइएगा कि हम जाएंगे और अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी गांव बस्ती के लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप आइए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके आवाज बन के आपके साथ खड़ी है। वहां से हम अपने बेटा विधायक बनाकर सांसद बनाकर रायपुर में और दिल्ली में भेजेंगे, जो हम आपको संरक्षण करेगा, हमको संरक्षित करेगा, हमारे जल जंगल जमीन हमारे हक अधिकार को संरक्षित करेगा। इसलिए आप लोग संकल्प लेकर के जाइए, जब तक के राजनीतिक स्तर पर हमें संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक के न हम अर्थतंत्र को मजबूत कर सकते, न धर्मतंत्र को, न संस्कृति को, न साहित्य को, न बोली को, न भाषा को। तो इसलिए जरूरी है पहले पार्टी का काम देखिए, पार्टी के माध्यम से विधायक बनाइए और अपना बेटा को रायपुर भेजिए, वो आपके हक की बात करेगा और आपके अधिकार के लिए। ऐसा धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा जिस दिन आप रायपुर भेज देंगे, घर में रहेंगे आप। कांग्रेस का सरकार बना के देख लिए, भाजपा सरकार बना के देख लिए, नक्सलियों के आड़ में नक्सलियों के नाम देकर के गोली से मारा जा रहा है हमारे लोगों को, हमारी बहन बेटियों की इज्जत उतारा जा रहा है, हमारे भाई बंधु लोग लाखों की संख्या में जेलों में बंद है। इसका सूद क्यों नहीं लेते ये कांग्रेस भाजपा में बैठे ये आदिवासी विधायक सांसद लोग? क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये लोग बंधुआ मजदूर हैं, इनको मालिक जो बोलेगा उतना ही करेंगे ये लोग। इसलिए अपना बच्चा भेजो वहां, फिर आपकी बात होगी और आपका सारा काम होगा। जिस तरह से आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में हमारे जिला के सेनापति डॉक्टर जय लिंगो जी के नेतृत्व में ये जिला काफी आगे जा रहा है, और ये जिला के समस्त विंग को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग डॉक्टर साहब के कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। और यहाँ दो विधानसभा ना अपना, ये दोनों विधानसभा विधायक बनाइए तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज के साहस दिवस पर पधारे सभी लोगों का मैं पुनः फिर से एक बार सादर सादर सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को वहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का सादर सेवा जोहार, सेवा पड़ापेन बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, जय सेवा जय पड़ापेन बना के रहेंगे।